नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल के ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ नींबू की चाय के बारे में। नींबू की चाय कितनी फ़ायदेमंद है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और जब आपको पता चल जाएगा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इसे आप रोज़ पिए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या फ़ायदे हैं नींबू की चाय के, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए। एक ज़रूरी बात और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारा यूट्यूब पर नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स उनका। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए अगर जानना चाहते हैं कितनी फ़ायदेमंद है ये चाय। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि आपने नींबू की चाय जो है बनानी कैसी है, कैसे आपने इसको बनाना है ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा जो है मिल सके। सबसे पहले तो नींबू की चाय का फ़ायदा ये है कि नींबू की चाय एक अच्छे क्लींजर और डिटॉक्सीफायर का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी इन्फेक्शन है, ये उसको क्लीन अप कर देती है। सारी जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में उसको ये निकाल देती है, और ये हमारी रक्षा करती है इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज़ से। दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसका ये है कि नींबू की चाय सर्दी ज़ुकाम को भी ठीक करती है। ये सिर्फ डिटॉक्सीफायर और क्लींजर का काम नहीं करती, ये हमारी रक्षा करती है सर्दी ज़ुकाम से भी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है डिटॉक्सीफायर का काम कर रही है ये, और इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इसका फ़ायदा और चाहते हैं तो आप इसमें 3 से 4 समय जो है आप इसको पी सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसमें थोड़ा सा अदरक मिला लें। मैं सिर्फ सर्दी ज़ुकाम की बात कर रही हूँ, अगर सर्दी ज़ुकाम में आपने इसका सेवन करना है तो आप 3 से 4 बार इसका सेवन दिन में कर सकते हैं, और बहुत आपको आराम मिलेगा अगर आप इसमें अदरक जो है थोड़ा मिला लेंगे। नींबू की चाय जो है दोस्तों दिल को भी स्वस्थ बनाए रखती है। अब दिल को ये कैसे स्वस्थ बनाती है, इसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, और फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो जो खून के थक्के हैं उनको बनने से रोकते हैं। तो अगर आप नींबू की चाय का सेवन करते हैं तो आपको जो दिल की बीमारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। आपके दिल को ये स्वस्थ बनाए रखेगी, खून के थक्के जो हैं वो नहीं बनने देगी, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। दोस्तों नींबू की चाय जो है हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बहुत ही ये बेहतर बनाती है। अब हमारी जो डाइजेशन है वो हेल्दी हो जाती है। एक तो ये हमारे इसमें क्लींजर्स होते हैं, बहुत जल्दी हमारी बॉडी को क्लीन कर देती है, सारे टॉक्सिन्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से निकाल देती है ये। और जो भी हम खाते हैं, जो हम खाते हैं पोषण जो है, पोषक तत्व जो है, हमारी बॉडी अच्छे से जो है उनको अब्सॉर्ब कर सकती है। और अगर आप नींबू की चाय का सेवन कर रहे हैं तो आपका जो पाचन क्रिया है आपकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, नींबू की चाय एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये एंटीसेप्टिक का एक काम करती है, क्योंकि इसमें हमने नींबू डाला होता है, और नींबू में दोस्तों बहुत ही एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शंस को, डिजीजेस को ठीक करने में मदद करती है। यही नहीं दोस्तों, जो नींबू की चाय है वो शरीर में आयरन की अब्सॉर्प्शन को बढ़ाती है। जो आयरन है, आयरन की अब्सॉर्प्शन को ये बढ़ाती है। जो आप दूसरी चाय पीते हो वो आयरन की अब्सॉर्प्शन जो है उसको नहीं बढ़ने देती, वो नॉन हीम आयरन जो है, आयरन जो है आपकी बॉडी में उसकी अब्सॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। लेकिन ये जो नींबू की चाय है, नींबू की चाय में हमने नींबू डाला है जिसमें कि विटामिन सी होता है, और ये बूस्ट अप करती है नॉन हीम आयरन की अब्सॉर्प्शन को। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आयरन की अब्सॉर्प्शन जो है आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों नींबू की चाय जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में भी बहुत मदद करती है, और आजकल बहुत आम हो चुकी है ये डायबिटीज़ की दिक्कत जो है। तो ये इंसुलिन की एक्टिविटी को जो है बेहतर करती है, इंसुलिन की एक्टिविटी को बेहतर करने की वजह से आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको वो कंट्रोल में रहती है। तो इसीलिए अगर आप डायबिटीज़ से
छुटकारा चाहते हैं या डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप नींबू की चाय का सेवन जो है वो लगातार कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। दोस्तों नींबू की चाय जो है हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो है अगर हम नींबू की चाय पियेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटी एजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन एक्ने या फिर अगर कोई स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन डिसऑर्डर है, उसको ये ठीक कर देती है। यही नहीं दोस्तों, नींबू की चाय जो है कैंसर से भी बचाव करती है। बहुत बड़ी छोटी से छोटी दिक्कत को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत को जो है ये ठीक कर देती है, उससे बचाव कर सकती है आपका। अब नींबू की चाय में होता क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण जो अनहेल्दी सेल्स होते हैं उसको ये प्रमोट नहीं होने देता है, अनहेल्दी सेल्स को ये ग्रो नहीं करने देता, और जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको ये प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है और अनहेल्दी सेल्स की ग्रोथ को ये नहीं बढ़ने देता। और दोस्तों इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो ये कैंसरियस सेल्स हैं उनको ये नहीं बढ़ने देता। इसमें लिमोनॉइड्स होते हैं और इसकी वजह से लिमोनॉइड्स की बहुत ज़्यादा गिनती होती है इसमें, और इसकी वजह से लंग, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर जो हैं इनके इनमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इन कैंसर से आपका बचाव होता है अगर आप नींबू की चाय का सेवन करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ अपने नींबू की चाय को बनाना कैसे है। नींबू की चाय बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 गिलास पानी, आधा चम्मच आपको चाहिए चाय पत्ती का, आधा चम्मच आपको ताज़े नींबू के रस चाहिए और चीनी या शहद चाहिए। अब आपने पानी 1.5 गिलास ले लेना है, उसको आपने बॉईल करना है, उसमें आपने आधा चम्मच चाय पत्ती डाल देनी है, तब तक जब तक वो 1 गिलास ना रह जाए, उसको गुनगुना होने दीजिए। और अगर आप उसमें चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल लीजिए, और अगर आप शहद डालना चाहते हैं तो शहद डाल सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे चाय के मुकाबले इस चाय का सेवन जो है लोग ज़्यादा करना शुरू कर दें। और हाँ दोस्तों, एलके ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए एलके ऑल इन वन चैनल। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।